गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बैंकिंग कंपनी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फ्रेंड्स, अगर आप इस वर्ड से ही मीनिंग निकालें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसी वर्ड से पता चलता है। एडिक्वेसी का मतलब है एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब है सफिशियंट, सफिशियंट कैपिटल। तो बैंक में, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम है कि आप पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक को ही देते हैं। अब अगर पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक को देते हैं और बैंक का खुद का पैसा नहीं लगा है, कैपिटल तो बैंक का खुद का पैसा होता ना, तो फिर बैंक की रिस्क जीरो है। सारा पैसा जो पब्लिक का है वो रिस्क पर है। तो बेसल टू के नॉर्म्स के हिसाब से, बेसल टू बैंकिंग इंडस्ट्री में जब कैपिटल एडिक्वेसी की स्टडी हुई तो बेसल वन और बेसल टू के नॉर्म्स आए, और बेसल टू के नॉर्म्स के हिसाब से बेसल कमेटी बनी थी, और बेसल टू के नॉर्म्स के हिसाब से आज की डेट में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% है। ये मिनिमम कैपिटल है, ठीक है। यानी कि 9% से कम अगर किसी कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो वो कंपनी को कैपिटल बढ़ानी चाहिए, 9% लेके आना चाहिए। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब जो एसेट्स हैं उनमें पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से जो पैसा जितनी रिस्क पर लगा है उसको रिस्क से मल्टीप्लाई करके हम रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ कैपिटल फंड का मतलब क्या है? कैपिटल फंड का मतलब है जो कंपनी की, बैंक की कैपिटल लगी है। तो बैंक की दो तरीके की कैपिटल होती है, एक हम बोलते हैं टायर वन कैपिटल और एक बोलते हैं टायर टू कैपिटल, ठीक है ना। टायर वन कैपिटल और टायर टू कैपिटल। टायर वन कैपिटल में इसको हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है जी, या इसको हम मोस्ट परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं, जिसको हम शेयर कैपिटल वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो टायर वन कैपिटल में क्या क्या आता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये आपकी टायर वन कैपिटल और टायर टू कैपिटल के बारे में दिया है, मैं लिखवा भी दूंगा। सुना, टायर वन कैपिटल में आपका आता है पेड अप कैपिटल, स्टैचुरी रिजर्व एंड अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एलिजिबल फॉर इंक्लूजन एज टायर वन कैपिटल, इनोवेटिव परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। मतलब आपका जो कैपिटल रिजर्व है वो सेल एसेट से, यानी कि कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज हुआ है सिर्फ वो ही लिया जाता है, एज रिड्यूस्ड बाय इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ टायर वन कैपिटल ऑफ बैंक विदाउट एनी इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ टायर टू कैपिटल में
कंसिस्ट करते हैं ये सारे, अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवेल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजन, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेट्स, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज रिजर्व। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। टायर वन कैपिटल एंड टायर टू कैपिटल। टायर वन कैपिटल में आ गया आपका पेड अप कैपिटल, स्टैचुरी रिजर्व, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में जो सेल ऑफ एसेट्स से आया है, या इसी को हम बोलते हैं जो रियलाइज्ड हुआ है, मतलब जिसका पैसा आपको मिल गया है, ठीक है जी। इसके बाद छठवें में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव के आगे वर्ड यूज किया था इन्होंने परपीचुअल, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इनको बोला PNCPS। एंड सेवेंथ इज इनोवेटिव परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली ये जो हैं लाइन आइटम्स ये नहीं मिलते हैं, बट आप जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पता होना चाहिए। इसमें से माइनस करते हैं, ऊपर वाली चीज़ों में से माइनस करते हैं, एक तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स को, दूसरा माइनस करते हैं हम लोग करंट एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को, तीसरा माइनस करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स को, ठीक है जी। टायर टू कैपिटल में हमारे आते हैं अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, यहां पर है डिस्क्लोज्ड रिजर्व, यहां पर आएंगे अनडिस्क्लोज्ड। नंबर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, नंबर थ्री जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, जो प्रोविजन बनाते हैं हम लोग, नंबर फोर हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, नंबर फाइव सबऑर्डिनेटेड डेट्स, ठीक है सबऑर्डिनेटेड डेट्स, एंड नंबर सेवन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो डिस्काउंट दिए हैं इन्होंने वो दिए 55% की, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी दिया हो उसमें 55% की डिस्काउंट कर देंगे और उसके बाद कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। सबऑर्डिनेटेड डेट्स के लिए
जो लिमिट दी है वो है मैक्सिमम 50% ऑफ टायर वन कैपिटल, इससे ज़्यादा का सबऑर्डिनेटेड डेट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा स्टडी करने से पता चलेगा, बट वो स्टडी करने में हम लोग टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। थियोरेटिकल में स्टडी करने में बोर होते हैं, बुक्स में आपको ये सारे कंसेप्ट हमने लिखे हुए हैं। ये देखिए आपका ये 55% का जो डिस्काउंट है वो ये लिखा हुआ है, चलिए अब यहाँ पर आ जाएं। अगला कंसेप्ट हमारा है रिस्क। देखिए अभी मैंने आपको कैपिटल फंड के बारे में बता दिया, यानी कि अभी मैंने सिर्फ आपको न्यूमरेटर के बारे में बताया, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। डिनोमिनेटर है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स, चलिए तो रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए आपको जो फॉर्मूले हैं वो मैं लिखता हूँ, समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, और यहाँ पर लिखेंगे रिस्क वेट परसेंटेज, ठीक है जी। पहला है कैश बैलेंस विद आरबीआई, आपके पास जो नगद कैश है और जो आरबीआई में बैलेंस है उसमें रिस्क कितनी होगी, 0%। ठीक है जी। नंबर टू बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों में गवर्नमेंट का मानना है कि 20% की रिस्क हो सकती है। नंबर थ्री इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिस्क 0। नंबर फोर अदर इन्वेस्टमेंट, बाहर के पैसे आपने किसी और कंपनियों में लगा रखे हैं तो उसमें 100% रिस्क है। फिर है फिफ्थ लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट है तो 0 रिस्क है, और इसके अलावा जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं इनमें आपकी 100% रिस्क है। सेवेंथ बैंक प्रीमिसेस फर्नीचर, इसमें आपकी 100% रिस्क है। ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जो बैलेंस शीट के बाहर हैं जैसे कि LC, BG, इनमें सब आपकी 100% रिस्क है। और नाइन्थ है नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में अगर आपने कोई एक्सपोजर लिया है तो इसमें रिस्क आपकी 150% है। फ्रेंड्स अब आप टायर वन टायर टू कैपिटल जानते हैं और रिस्क वेटेड एसेट्स जानते हैं, तो इन दोनों को अप्लाई करके हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये अप्लाई करेंगे और हम समझेंगे कि हमारा क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन देखें, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। अ कमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स। सेग्रीगेट द कैपिटल फंड इनटू टायर वन एंड टायर टू कैपिटल। ठीक है, फाइंड आउट द रिस्क वेटेड एसेट्स एंड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या कैपिटल एडिक्यूशन रेशियो। ओके, तो कैपिटल फंड दे रखे हैं और ये एसेट्स दे रखी हैं। ये बोल्ड नहीं किए, मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। और ये आपकी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। अब इन दोनों से, मतलब इस पूरे डाटा से हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ठीक है जी, रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। चलिए सो करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड की बात करते हैं। कैपिटल फंड में एक हमारी टायर वन कैपिटल आती है। तो टायर वन कैपिटल में हम लोगों का आएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट देख लें एक बार। कैपिटल में पेड अप कैपिटल आपकी टायर वन में आएगी, स्टैचुरी रिजर्व आपके टायर वन में आएंगे, और कैपिटल रिजर्व में जो सेल ऑफ एसेट से आया है वो आपके टायर वन में आएंगे। सो स्टैचुरी रिजर्व और कैपिटल रिजर्व जो सेल ऑफ एसेट से आया है ये टायर वन में आएगा। टायर टू कैपिटल में आपका रिवेल्युएशन रिजर्व आएगा। क्वेश्चन में पढ़िए जरा, लिखा है कैपिटल रिजर्व के आगे लिखा है ऑफ विच रुपीज 280 वर ड्यू टू रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड बैलेंस शीट ड्यू टू बैलेंस ड्यू टू सेल। मतलब 1210 में 280 तो आपके रिवेल्युएशन रिजर्व की वजह से। यस, चलिए तो रिवेल्युएशन रिजर्व आ गया हमारा 280। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, 48,000। स्टैचुरी रिजर्व 28,000। और ये 1210 में से 280 कम कर दें तो ये 930। सो टायर वन कैपिटल हमारी हो गई 7, ठीक है। रिवेल्युएशन रिजर्व में हमने डिस्काउंट बताया था कितने का, 55% का, 154, तो 126 आपकी टायर टू कैपिटल हो गई। चलिए टायर वन कैपिटल हो गई, टायर टू कैपिटल हो गई। अब हम बात करते हैं ये वर्किंग नोट टू। वर्किंग नोट टू हमारा बनेगा रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है जी।
रिस्क वेटेड एसेट्स, ये जो हैं इन सब की हम लोग कैलकुलेशंस करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे कैश बैलेंस विद आरबीआई, सो कैश बैलेंस विद आरबीआई 480, ये अमाउंट है। रिस्क परसेंटेज है 0, तो रिस्क वेटेड जो अमाउंट आएगी वो होगी 10। दूसरा बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, ये हमारा है 1250, रिस्क है 20% की, तो ये आएगा 250। नंबर थर्ड क्लेम ऑन बैंक्स, क्लेम ऑन बैंक्स का मतलब है दूसरे बैंकों से पैसा लेना है, ये हमारा 2850 है, तो 20% की ही रिस्क में आएगा। नंबर फोर, नंबर फोर है अदर इन्वेस्टमेंट, सेवन एट टू फाइव जीरो, 100%, ठीक है। नंबर फाइव लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट, गारंटेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर, जो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जीरो रिस्क रहेगी। गारंटेड बाय गवर्नमेंट, गारंटेड बाय पीएसयू अदर। चलिए जो गवर्नमेंट के हैं वो कितने हैं, 12820, तो ये जाएगा 12820 70210, इनकी तो रिस्क हो गई 0-0। और जो अदर हैं वो हैं 520250, 100% 520250, ठीक है। छठवें लाइन आइटम पर जाएं, प्रीमिसेस एंड फर्नीचर जो हैं उन पे 182, वन एट टू डबल जीरो, वन एट टू डबल जीरो। सेवेंथ अदर एसेट्स 201 20 201 20, ठीक है। इसके बाद एट है हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम कितने हैं, 370250, रिस्क इनकी 100% है, 370250। सो यहाँ तक हम अलग करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमने ऑफ बैलेंस शीट आइटम अलग लिए हुए हैं। इसका टोटल करें 1007890, ये हमारी आई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। बस अब इसको आप फॉर्मूले में प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 76930 प्लस 126 अपॉन 520 है ना, ये तो
इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 637640, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 637640 प्लस 370250, ऊपर का टोटल होगा 77056, नीचे का होगा 107890, दैट इज 7.65%, ठीक है जी। तो अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस कैपिटल एडिकेशन रेशियो इज लेस देन 9%, द बैंक हैज टू इम्प्रूव द कैपिटल एडिकेशन रेशियो बाई इंट्रोड्यूसिंग फर्दर कौन सी टायर वन कैपिटल। देखिए जब टायर वन कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल फंड बढ़ेगा, और जब कैपिटल फंड बढ़ेगा तो आपका ये कैपिटल एडिकेशन रेशियो भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जो मैं समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, कैपिटल एडिकेशन रेशियो का मतलब है सफिशेंट कैपिटल या एडुकेट कैपिटल। उसका फॉर्मूला है कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कैपिटल फंड में दो तरीके के कैपिटल है, टायर वन एंड टायर टू। टायर वन कैपिटल में आते हैं पेड अप कैपिटल, स्टैच्युटरी रिजर्व, अदर डिस्क्लोज रिजर्व्स, ठीक है, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व जो सेल ऑफ एसेट से आए, ठीक है, नॉन परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इनोवेटिव परपेचुअल डेट्स इंस्ट्रूमेंट। टायर टू कैपिटल में आपके अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवेल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजन, लॉस प्रोविजन, हाइब्रिड डेट्स इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेट्स, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब आते हैं। टायर वन कैपिटल से हम इंटेंजिबल एसेट्स, लॉसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट्स माइनस कर देते हैं। फिर दूसरा है रिस्क वेटेड एसेट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट्स में आपकी जो एसेट्स हैं उनकी रिस्क के हिसाब से उनके परसेंटेज दिए रहते हैं। इसमें आपने सोचना नहीं है कि सर ये 0% क्यों है, 20% है, ये बाकायदा गवर्नमेंट नोटिफाइड परसेंटेज हैं। ये भी है कि आपके आज ये परसेंटेज हैं, अगर आप 2 साल बाद हो सकता है गवर्नमेंट चेंज कर दे, तो आपने उस डेट के जो परसेंटेज हैं वो अप्लाई करने हैं, ना कि इस वीडियो में जो बताए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एडुकेशन रेशियो निकालना था। उस क्वेश्चन से हमने देखा कि भाई इनकी बैलेंस शीट में क्या टायर वन कैपिटल है, क्या टायर टू कैपिटल है, और कितनी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल के हमने कर दिया, ठीक है। इसमें देखा हमने कि इनका कैपिटल एडुकेशन रेशियो 7.65% आ रहा है, जो कि हमारे 9% से कम है। इसका मतलब है हमें बढ़ाना है कैपिटल एडुकेशन रेशियो, और कैपिटल एडुकेशन रेशियो बढ़ाने के लिए हमें टायर वन कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको पूरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।